हिमाचल प्रदेश स्वच्छ रहे और प्रदूषण रहित हो, इसलिए प्रदेश सरकार ने सभी कार्यालयों को यह आदेश जारी किए हैं कि उनमें प्लास्टिक और थर्मोकोल का उपयोग नहीं होगा, लेकिन कुछ कार्यालयों में इस नियम को अपनाया जा रहा है और शेष में इस नियम के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोलन में इस तरीके की घटना नगर परिषद के हाउस में देखने को मिली, जहां बैठक के दौरान सभी पार्षद प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते नजर आए। हम आपको बता दें कि इन सभी प्रतिनिधियों पर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने वाले सभी पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद थे और यही प्रतिनिधि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं, नो प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसे नारे लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जब इस बारे में कार्यकारी अधिकारी सुधीर शर्मा की बैठक के दौरान प्लास्टिक की बोतल्स को उपयोग में लाने का कारण पूछा गया, वो इस बात पर निरंतर निरुत्तर नजर आए और बाद में प्रतिनिधियों पर इस बात का ठीकरा फोड़ते नजर आए और कहा कि शायद उन्हें इस नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाएगा और प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि अगर चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकारी आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो प्रदेश में चल रही सरकारी योजनाओं को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। यही नहीं, जिन प्रतिनिधियों पर शहर को सुंदर रखने का बेड़ा होता है, अगर वो ही इस तरीके से प्रदूषण फैलाएंगे तो प्रदेश प्रदूषण मुक्त भला कैसे बनेगा। जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स के ऊपर बैन है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स भी यूज हो रही है, ये मामला मेरे ज्ञान में नहीं। जैसे ये अंदर बैठक चल रही है जी, इसमें बॉटल्स को यूज किया गया बैठक में, ये जो प्लास्टिक हाउस पानी की बोतलें प्लास्टिक की यूज हुई जो कि बिल्कुल बंद है। ये अभी व्यवस्था जो है शायद इनको मालूम नहीं होगा जो पानी यहाँ व्यवस्था की गई है, इन्हें भविष्य में निर्देश दिए जाएंगे जो सरकार की अधिसूचना है उसी को अनुपालना करें और इस प्रकार प्लास्टिक की कोई भी सामग्री का इस्तेमाल ना करें। सोलन से अमरप्रीत पुंज। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।